हेलो दोस्तों, मैं रुपेश और फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ए आर ऑटो ब्लॉग्स में। जैसा कि आप फ्रेम में जो गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी होंडा के ओर से होंडा अमेज, ये आपका वीएक्स वेरिएंट है। और भाई मतलब गाड़ी देखने में अगर भाई दूर से आए ना तो आप इसका लुक आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, सच्ची बताएं तो। और इस गाड़ी में मतलब ऐसा ऐसा फीचर्स भी मिल जा रहा है ना कि सही है, अपने प्राइस रेंज में मतलब परफेक्ट मिल जाता है। तो पहले भाई इसका हेडलाइट को हम कर लेते हैं ऑन, ये हमने ऑन कर लिया। ऐसा कुछ इसका चलता है DRL। अगर हम प्राइस की बात करते हैं इस वेरिएंट का VX का, तो इसका जो प्राइस है वो एक शोरूम पड़ता है 870,000। ऑन रोड की अगर बात करें तो भाई 9,99,000, मतलब 10 लाख रुपए आपको पड़ते हैं ऑन रोड इस गाड़ी के। और भाई इस गाड़ी में जो आपका इंजन ऑप्शन मिलता है वो इंजन आपका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 90 BHP जनरेट करता है, साथ ही 110 Nm का टॉर्क। तो एवरेज भी मतलब सही अच्छा खासा मिल जाता है इसमें आपको। इंजन में आपको खोल के दिखा देते हैं कि आपको जो 110 देता है एनएम, 110 Nm का टॉर्क, इंजन कैसा दिखता है, कितना बड़ा। ये 4 सिलेंडर इंजन है, होंडा IVTEC की बैजिंग। तब इंजन साइलेंट है, यहाँ पे डंपिंग वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऐसे भी इसका थोड़ा इंजन रिफाइन है, देख सकते हैं पूरा इसका इंजन बे। बंद किया जाए बंद। और गाड़ी की अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो भाई आपका ये 4 मीटर से कम है, मतलब 3995 mm इसकी जो गाड़ी के है वो लंबाई है। और गाड़ी की हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 1695 mm इस गाड़ी का चौड़ाई है। हाइट की अगर बात करते हैं, टॉप ट्रिम में भाई ज़्यादा ही रहता है, जान ही रहे, क्योंकि इसका जो टायर साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो 1501 है भाई इस वेरियंट का। और अगर आप बेस में जाते हैं तो बेस में आपको थोड़ा बहुत माइनर से बस चेंजेस मिलेंगे। और अगर इस गाड़ी का व्हील बेस बताएं तो व्हील बेस आपको 2470 mm मिल जाता है। तो और बस ज़्यादा कुछ तो है नहीं भाई। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 172 mm मिलता है। और तो SH जो बाहर की स्पेसिफिकेशन है वो तो सब मैंने बता ही दिया। हाँ, आप यहाँ से अपने फ्यूल को फिल कर सकते हैं, अंदर से आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा, 35 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है। और बात कर लेते हैं हम अपने शुरू से, फ्रंट से बात करते हैं। तो भाई ये रहा होंडा का मतलब सिग्नेचर ग्रिल, जो लगभग आपको हर होंडा में तो नज़र आ ही जाती है। यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट्स, लाइसेंस प्लेट की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे एयर इंटेक के लिए एयर डैम्प, अच्छा खासा जगह मिल रहा है उनको हवा लेने के लिए। यहाँ देखते तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जा रहे हैं जो कि LED में है। ये आपका DRL, ये आपका टर्न इंडिकेटर, इसी में हाई और लो, इसी में नीचे में देखते हैं तो प्रोजेक्टर में है आपका। यहाँ पे फॉग लैंप मिल जा रहे हैं क्रोम इंसर्ट्स के साथ। यहाँ टोइंग का भगवान न करे कभी इसकी ज़रूरत पड़े, खैर इस पर भरोसा है ये नहीं ज़रूरत पड़ेगा। जेन्युइन बताएं भाई, टाटा रहती तो पढ़ सकती थी। इधर देखते हैं तो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जा रहे हैं। टायर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो 175/65 R15 इंच का आपको इसमें डायमंड कट अलॉय मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम मिलता है। इधर देखते हैं तो आगे में दो वाइपर मिल जा रहे हैं, इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प या फिर ऑटोमेटिक हेडलैम्प आई थिंक है, ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है इसमें, रेन सेंसिंग वाइपर इस गाड़ी पे नहीं है। इधर आते हैं तो आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिल जा रहे हैं, इसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जा रहे हैं, नीचे में ब्लैक है। और ऐसा कुछ पूरा बी पिलर आपका ब्लैक है, ए पिलर बॉडी कलर्ड है, और पीछे तो भाई स्लोप है। यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल है वो क्रोम में मिलता है, यहाँ पर एक सेंसर बटन मिल जा रहा है। इधर पे भी आपको डोर हैंडल जो है वो क्रोम में है। ऊपर में देखते हैं तो सार्फिन एंटीना मिल जा रहा है, पीछे में रियर डिफॉगर, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और ऐसा कुछ रियर का लुक है। आते अगर इस पर तो आपका
ये जो ब्रेक अप्लाई करने पे ये ग्लो करते हैं, पार्किंग पे ये जलते रहते हैं। ये आपका टर्न इंडिकेटर, ये आपका रिवर्स, यहाँ पे वेरिएंट की बैजिंग VX की, यहाँ पे IBTEC की बैजिंग, पीछे में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं, ये आपका एग्जॉस्ट टिप, और यहाँ पे पूरी क्रोम की यूज़ की गई है रिफ्लेक्टर के साथ। देखते हैं तो यहाँ पे होंडा की बैजिंग, यहाँ पे अमीज की बैजिंग, बस बूट को ओपन करते हैं तो बूट पे यहाँ पे आपको कवर मिल जा रहा है। अब बूट स्पेस की बात करते हैं तो 420 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जा रहा है। और स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो भाई स्पेयर व्हील आपको 175/70R14 मिलता है, ठीक है भाई, हर जगह पे ये कॉस्ट कटिंग तो स्पेयर व्हील पे हो ही रही है। इधर आपका आप यहाँ से फ्यूल, अंदर से अपना फ्यूल लिट ओपन कर सकते हैं। तो बस चलते हैं अंदर, बाहर में तो भाई सारे कुछ कवर हो गया है, अंदर चलते हैं, अंदर में फिर बात करते हैं क्या कुछ मिल जाता है। उससे पहले भाई आपको कुछ दिखाना चाहूँगा इसके की के फीचर्स को। देखिए ऐसा कुछ इसमें की मिल जाता है, 2 स्मार्ट की मिल जा रहे हैं, लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखेंगे तो बूट रिलीज हो जाती है। तो भाई गाड़ी को किया हमने ये लॉक, मिरर फोल्ड नहीं होते हैं इसमें, ये गाड़ी लॉक किया है। तो बस चला सामने और आवाज़ सुनिएगा, ये अनलॉक हो गया, गेट को हमने खोला, ऐसा कुछ है ड्राइवर साइड का गेट, देख सकते हैं डुअल टोन में देखा जाए तो डुअल टोन यूज़ किया गया है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत सिल्वर की यूज़ है जो कि आपका डोर हैंडल, यहाँ पे अनलॉक हैंडल जो है उस पर भी यूज़ किया गया है। इधर देखते हैं तो फैब्रिक टच मिल जा रहा है आपको, फैब्रिक की वजह से सॉफ्ट टच हो गई है, ये प्लास्टिक है, ये भी सब प्लास्टिक ही है। यहाँ पे डोर को पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये आपका ऑटो अप ऑटो डाउन, वेट ऑटो डाउन है या ऑटो डाउन तो है भाई, ऑटो अप है या नहीं वो चेक कर लेते हैं सिर्फ। देखिए ये ऑटो डाउन है, सिर्फ ड्राइवर साइड के ही मिलेगा, ऑटो अप भी है, दैट्स परफेक्ट। यहाँ से आप अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, सिर्फ लॉक करने पे फोल्ड नहीं होते हैं भाई, बल्कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ये लेफ्ट राइट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट, ये सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स, ये चाइल्ड के लिए ताकि पीछे से कोई पावर विंडो को अपना ऑपरेट ना कर पाए, ये चारों पावर विंडो। नीचे में देखते हैं 1 लीटर का बॉटल होल्डर, इधर थोड़ी बहुत स्पेस, यहाँ स्पीकर। इस गाड़ी में आपको सिर्फ 4 स्पीकर ही मिल रहे हैं, ट्विटर्स की सुविधा नहीं है, क्या बोल सकते हैं आप, सर कोई नहीं, सही है, साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए बस। अब इधर देखते हैं तो भाई आपका सीट में हाइट एडजस्टेबल यहाँ से मिल जा रहा है, ये रिक्लाइन के लिए, और यहाँ से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। आपका अंदर में ABC पैडल, ये आपका मैनुअल में है। यहाँ देखते हैं तो फ्यूल लेड, नीचे में आपका हुड ओपन करने के लिए, और यहाँ देखिएगा तो बूट के लिए, और तो ऐसे यहाँ नहीं है कुछ। तो बैठते हैं अंदर, भाई सामने से धूप तो मतलब ऐसा आ रहा है कि कुछ कहना ही नहीं है। इसको करते हैं नीचे, यहाँ दिखाते हैं तो भाई इधर से, अगर यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर स्विच मिल जा रहा है, यहाँ पे AC वेंट, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप के बटन्स, देखिए भाई यहाँ पे ठीक ऐसे हाथ लेके जाएंगे और ये ग्लो हो जाता है, जादू। यहाँ पे आपके ये पैनल के लिए, जो अगर आगे का डिफॉगर ऑन करते हैं तो यहाँ पे इधर पे क्लीन करते हैं फॉग को, इधर हो गए सारे कुछ। इधर देखते हैं तो ये आपका हेडलाइट के कंट्रोल्स, इसमें ऑटो के फंक्शन दिए हुए हैं, और इधर देखते हैं तो ये आपका वाइपर के कंट्रोल्स, इसमें ऑटो नहीं है भाई। अगर ये आपका CVT रहता तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं, ये आपके इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और ये आपके क्रूज़ को, ठीक है। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जा रहा है, यहाँ पे पूरे सिल्वर यूज़ सिल्वर फिनिश में, स्टेयरिंग में कोई भी लेदर रैप वगैरह नहीं है। स्टेयरिंग की अगर हम बात करते हैं इसकी एडजस्टमेंट को लेके तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। चलिए हम आते हैं अपने क्लस्टर की ओर, तो भाई क्लस्टर में आपको क्या कुछ मिल जा रहा है देखते हैं।
यहाँ पे इधर आपको टैकोमीटर मिल जा रहा है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जा रहा है, बीच में ऊपर में आपका टोटल किलोमीटर, यहाँ पे ट्रिप ए, यहाँ पे टाइम, इधर आपका इंस्टेंट एवरेज जो शो करता है वो दिखाता है, इधर आपका फ्यूल गेज, यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है। और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो भाई, सॉरी, चेंजेस करने के लिए यहाँ पे है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप इसको प्रेस करके कर सकते हैं, रेंज है, एवरेज है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सारे कुछ यहाँ से दिख जाएंगे। टाइम को सेट करने के लिए आप इसे बस घुमाते रहिए, टाइम सेट हो जाएंगे। यहाँ पे वार्निंग लाइट्स शो कर रहे हैं, इधर भी आपके वार्निंग लाइट्स। और अगर इधर आते हैं तो इधर पे देखिए आपका एसी वेंट, यहाँ पे नीचे में 7 इंच का इंफोटेनमेंट, जिसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ऐसे कनेक्टिविटीज़ मिल जा रहे हैं, फ़ोन, ब्लूटूथ, ऑक्स, सॉरी ऑक्स नहीं है भाई, होंडा इसे बहुत मतलब पहले से ही लेके चला आ रहा है, डीजी पैड 2.0 के नाम से अब ये आ रहा है। नीचे में देखते हैं तो आपके ये क्लाइमेट कंट्रोल मिल जा रहे हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सही है। यहाँ से आप अपने फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऑटो का बटन, ये फ़ैन को ऑन ऑफ़ करने के लिए, यहाँ से मैक्सिमम कूल अगर करना, जल्दी ठंडा करना तो उसके लिए ये है, यहाँ से आप एयर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ये रियर पीछे का डिफॉगर, ये फ्रंट का डिफॉगर। और तो भाई कुछ है ही नहीं, इधर पे नीचे देखते हैं तो पावर सोर्स है आपका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यहाँ एक USB और एक इधर USB, यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख देने के लिए आपका थोड़ा सा स्पेस मिल जा रहा है, यहाँ पे ट्विन का फोल्डर मिल जा रहा है, ये आपका मैनुअल 5 स्पीड का गियर बॉक्स, तो सही है। इसमें भी आपको लेदर का यूज़ मिल रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे पूरे क्रोम का यूज़, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस, ये आपका हैंड ब्रेक, इसमें आर्म रेस्ट नहीं आते हैं, और यहाँ पे एक होल्डर आप कप वगैरह रख सकते हैं आराम से। इधर देखते हैं तो यहाँ भी आपको पूरा थोड़ा सा मैट फिनिश में सिल्वर मिल जा रहा है, एसी वेंट के उधर, इसमें आपको दो ही एयर बैग मिलते हैं सेफ्टी के तौर पे, ये आपका ग्लव बॉक्स, इस ग्लव बॉक्स में भाई लाइट वगैरह नहीं है। तो ऐसा कुछ है, यहाँ देखते हैं तो भाई मैनुअली एडजस्टेबल IRVM, यहाँ पे हेलोजन कैबिन लैंप, ये सनशेड, एक सनशेड इधर है, इसमें मिरर है बट लाइट नहीं है, इधर एक ग्रैब हैंडल, ड्राइवर साइड तो भाई इधर ड्राइवर साइड भी दिया भाई, देखो आगे के लगभग सब हो गए। तो अगर कुछ अटरम चटरम छूट गए होंगे तो याद आएगा तो मैं जैसे जैसे बताते जाऊँगा, फिलहाल तो चलते हैं पीछे। पीछे में देखा जाए तो ऐसा कुछ है, रियर डोर का व्यू ब्लैक एंड बीज, ये लॉक अनलॉक के, यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे पकड़ने के लिए डोर क्लोज करने के लिए हैंडल, वहाँ 1 लीटर बॉटल होता है, इधर थोड़ी बहुत स्पेस। और यहाँ देखते हैं तो स्पीकर आपका एक यहाँ है भाई, इसमें सारी स्पीकर आ रहे हैं, सॉरी हाँ यही बताने भूल गए थे ना, देखिए इसमें आपको दोनों में आगे में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं। और ऐसा कुछ अंदर का व्यू, रियर सीटिंग का इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, आर्म रेस्ट आपको इसमें मिल जा रहा है कप होल्डर के साथ, ट्विन कप होल्डर के साथ, और एक एसी मतलब का जो पावर सॉकेट है वो यहाँ मिल जा रहा 12 वोल्ट का। रियर में कोई भी एसी वेंट वगैरह नहीं है इस गाड़ी में, और ना ही कोई कर्टन्स है, कोई नहीं, जिस प्राइस में है ये उस पर नहीं मिलेगा ये तो समझ में आती है। और ऐसा कुछ दिखता है होंडा में टॉप मॉडल का व्यू डैशबोर्ड का पूरा। चलिए बाहर निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में।